अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिच फैमिली के डैड ने अपने तीनों बेटों को एक गरीब लड़की को ढूंढने भेजा था ताकि वो उन तीनों में से किसी एक से शादी कर सके, जिसमें से पहला बेटा है मिस्टर वेन जो कि कंपनी का सीईओ है, दूसरा ओयंग जो डॉक्टर है और तीसरा गाओ जो कि एक केपॉप आइडल है। जैसे वो उस लड़की को देखते हैं, गाओ कहता है ये तो गाँव की छोरी है। ओयंग कहता है तो हम तेरी से शादी करवा देंगे, बट गाओ साफ साफ मना कर देता है। पर वो लड़की लियान उनमें तीनों में से किसी को भाव नहीं देती। जैसे वो घर आती है उनकी मॉम सुनाने लगी थी कि पता नहीं किस गरीब लड़की को उठा लाए, इसका सामान ध्यान से रखना कहीं इसमें गोबर ना भर लाई हो। बट लियान साफ साफ मना कर देती है कि कोई मेरे सामान को हाथ नहीं लगाएगा। तभी वहाँ डैडा चाहते हैं और कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लियान के साथ ऐसा बिहेव करने की, तुम्हें पता नहीं लियान ने मेरी जान बचाई थी। और फिर लियान से माफी मांगते हैं उसके साथ तब बुरा बिहेव करने के लिए। तो अपने बेटों से कहते हैं तुम तीनों लियान से फ्रेंडशिप कर लो, तीनों में से जिससे भी लियान को प्यार हो जाएगा वो उसी से शादी करेगी। गाओ कहता है मैं तो अपने फैंस के साथ बिजी हूँ, तो मेरे पास इसके साथ फ्रेंडशिप करने का टाइम नहीं है। ओयंग कहता है मुझे भी बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, तो मैं भी हॉस्पिटल में बिजी हूँ। पर मिस्टर वेन कुछ भी नहीं बोलता। डैड लियान को अपना क्रेडिट कार्ड दे देते हैं ताकि उसे जो भी पसंद हो वो खरीद ले, बट वो मना कर देती है। गाओ कहता है नाटक क्यों कर रही हो, तुम पैसों के लिए तो यहाँ आई हो। लियान उसकी बात पे ध्यान नहीं देती। तभी उसे मैसेज आता है वाइस प्रेसिडेंट का जो कहता है कंपनी का इस बार 8 मिलियन प्रॉफिट हुआ है तो मैं आपके बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ। यानी लियान सीक्रेटली बहुत रिच है। इनफैक्ट लियान भी सीक्रेटली एक सीईओ है। उसकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट यानी उसका फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुम सच में उन तीनों में से किसी एक से शादी करोगी। वो कहती है अगर मेरे डैड की ये लास्ट विश ना होती तो मैं भी उनके घर में कभी ना आती। फिर उसका फ्रेंड चला गया था पर मिस्टर वैन दूर से उसे देख रहा था और वो इस बात से हैरान था कि वो इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ क्या कर रही है। एक लड़का आकर लियान से फ्लर्ट करने लग जाता है, वो मना करती है तो वो उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। इससे पहले कि मिस्टर वैन वहाँ जाता लियान खुद ही उसे ढो डालती है। मिस्टर वैन कहता है ये लड़की तो बहुत स्मार्ट है। नेक्स्ट डे जब वो सो रही थी तभी मिस्टर वैन उसके रूम में आता है और कहता है मेरे साथ कंपनी चलो। जब वो कंपनी आती तो बताता है कि मैं सिर्फ डैड की वजह से तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, वरना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम भी मुझमें इंटरेस्ट मत दिखाना। बट वो उसके क्लोजर कहती है पर मुझे तो तुम तीनों में से सबसे ज्यादा हैंडसम तुम ही लगे। पर फिर कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, अगर तुम भी मुझसे परेशान हो गए हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बैठी वहाँ पे गेम खेलने लगी थी और बहुत देर से चिल्ला रही थी, पर मिस्टर वैन उसे देख स्माइल करता है। जैसे वो दोनों घर आते हैं फैंग मिस्टर वैन को हेलो करती है बट वो उसे भाव नहीं देता। इतने में डैड भी आ जाते हैं पर मॉम कहती है किसी ने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया है जो बहुत कीमती है। फैंग कहती है कौन चुरा सकता है, कोई गवार ही चुरा सकता है। इसलिए मॉम लियान के कमरे की तलाशी लेने कह देती है और ऐसा ही होता है, ब्रेसलेट उन्हें लियान के रूम में मिलता है। तो मॉम उस पर आरोप लगाने लगी थी, देखा अगर किसी गांव की को लेके आओगे तो यही होगा। डैड कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे लियान पे पूरा भरोसा है। मिस्टर वैन कहता है क्यों ना हम ब्रेसलेट पे फिंगरप्रिंट चेक करवाएं, जिसके फिंगरप्रिंट होंगे वही चोर होगा। मॉम कहती है ओके अगर ये चोर निकली तो इसकी किसी से भी शादी नहीं होगी। और ऐसे ही होता है, ब्रेसलेट पे लियान के फिंगरप्रिंट निकलते हैं। पर लियान बताती है कि मैंने चोरी नहीं की क्योंकि मुझे इस जेड ब्रेसलेट से एलर्जी है, और वो ब्रेसलेट पहन के दिखाती है और उसको सच में एलर्जी हो गई थी। मॉम कहती है क्या पता तूने ग्लव्स पहन के चोरी किया हो। मिस्टर वैन कहता है फिर तो इसका मतलब लियान के ब्रेसलेट पे फिंगरप्रिंट कैसे हो सकते हैं। लियान कहती है पर आंटी आपने इस नौकर को इतने पैसे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स बीमार थे। डैड कहते हैं झूठ मत बोलो, वो नौकर अनाथ है। और जिससे साबित हो जाता है कि मॉम ने लियान को फ्रेम करने की कोशिश की थी। मिस्टर वैन लियान को हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर उसके मेडिसिन लगा रहा था। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, वो कहती है मुझे नहीं पता था तुम बाहर से इतने कोल्ड दिखते हो पर अंदर से इतने काइंड हो, अब तो मैं तुम्हें और भी लाइक करने लगी हूँ। बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। और फिर अपनी मॉम के लिए उसे सॉरी बोलता है। वहाँ पे नर्स आती है और लियान को बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हें जेड से एलर्जी है तो तुमने क्यों पहना, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी किसी काम का नहीं, तुम्हें बॉयफ्रेंड होकर अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए।
वो बताने वाली थी कि मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मिस्टर वैन कहता है ओके मैं ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट डे ओयंग उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू करती है तो कहता है तुम्हारी मेरे बड़े भाई मिस्टर वैन के साथ बहुत बन रही है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो बहुत खड़ूस है, उसे लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसे दूर ही रहना। लियान कहती है तो मैं तुम्हें चूज कर लूंगी। वो कहता है मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई को चूज कर लो, गाओ को। इधर गाओ लाइव स्ट्रीम कर रहा था और डांस कर रहा था तो उसके फैंस बड़ा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर लियान आकर काम करने लग जाती है तो उसके फैंस कहते हैं तुम्हारे घर पे लड़की, क्या तुम उसे लाइक करते हो? वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं वो भी इस गाँव की लड़की को चूज करूंगा, कभी नहीं। और लियान से जाकर कहता है तुम मेरे काम के बीच में इसलिए आई हो ना ताकि मेरा टेंशन पा सको। वो कहती है मैं यह बुक लेने आई थी और तुमने कौन सा गेट बंद किया था, वैसे तुम केपॉप आइडल हो, तुम्हें डांस और सिंगिंग तो आती होगी, क्या रैप भी आती है? वो कहता हाँ मुझे सब कुछ आता है। फैंस कहते हैं लग रहा है ये लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड है। लियान कहती है सॉरी मैं इस छोटे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता है तुमने मेरी इंसल्ट की, और वो जाने लगी थी तो उसे पकड़ के अपनी बाहों में गिरा लेता है। सब फैंस खुश होते हैं, लियान जाने लगती है तो वो पकड़ के उसे गोद में उठा लेता है और कहता है अब तो मैं तुम्हें छोटा बच्चा नहीं लग रहा, जल्दी से मुझसे और मेरे फैंस से माफी मांगो। लियान कहती है ओके तो डांस करके दिखाओ। फिर वो डांस करने लग जाता है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था और कहता है मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लियान कहती है हाँ हाँ मैंने मान लिया, तुम काफी इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लियान काफी थकी हुई लग रही थी तो वो कहता है क्या हुआ तुमने रात भर ऐसा क्या देखा है, कहीं छुपकर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं देख रही थी? पर फिर मिस्टर वैन से कहता है अरे भाई किसी ने तेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, शायद कोई लड़की है। लियान कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कोई लड़का हो। तो वो कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो और जानबूझ के ऐसा कर रही हो? बट लियान हंस रही थी, आज गाओ उसे अपने साथ लेके जा रहा था। तो मिस्टर वैन कहता है गाओ इसका अच्छे से ध्यान रखना। इधर मिस्टर वैन का सेक्रेटरी से बताता है कि जिसने आपका रिकॉर्ड तोड़ा है वो कोई और नहीं ब्लू कंपनी की सीईओ है। तभी मिस्टर वैन को गाओ का फोन आता है जो बता रहा था कि लियान गायब हो गई, तो भाग के चला जाता है। इधर लियान को गर्ल्स बुली कर रही थी कि तू हमारे आइडल पे डोरे डाल रही है और उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो गाओ उनके मार देती है। एक लड़का उसके मारने वाला था पर तभी गाओ के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और वो उसे मार देता है जिससे वो गिर गई थी। तो वो लोग सब मिलके उसे बुली करने लगे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर वैन आ जाता है और उसके बॉडीगार्ड्स आकर उन सबको पकड़ लेते हैं तो वो लोग माफी मांगते हैं। मिस्टर वैन लियान को गोद में उठाकर कहता है अगर किसी ने दोबारा इसे बुली करने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाला और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। ओयंग चेकअप करके बताता है कि इसे बस थोड़ी सी चोट लगी है और इसे पीरियड्स हो रहे हैं तो इसका ध्यान रखना। लियान के बहुत इस पेट में दर्द हो रहा था तो वो पानी मांगती है, इसलिए मिस्टर वैन उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगा था जिससे वो दोनों नर्वस हो रहे थे। तो वो कहती है मुझे नहीं पता तुम इतने काइंड हो। मिस्टर वैन कहता है मेरा रिकॉर्ड तुमने तोड़ा है ना, क्या तुम्हारा कोई बैड इरादा है? लियान कहती है क्या मतलब तुम्हारा? फिर वहाँ पे उसके डैडा चाहते हैं और गाओ को डांटते हैं कि इसने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा, चलो घुटना के बल बैठ के इससे माफी मांगो। तो गाओ उसे माफी मांगने लगा था। लियान को भी हंसी आ रही थी कि इतना टॉप स्टार हो कि उससे माफी मांग रहा है, पर गाओ को गुस्सा आ रहा था। मिस्टर वैन कहता है डैड गाओ की गलती नहीं है, वो भी अपनी क्लासेस में बिजी था। तो लियान भी कहती है हाँ गाओ की गलती नहीं है, इसलिए डैड उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं लियान तुम आगे जाकर जिससे मर्जी शादी करो पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हमारी कंपनी के 20% शेयर मिलेंगे। पर ओयंग बाहर से ये सब बातें सुन लेता है और सोचता है यानी इस लियान से मुझे शादी करनी होगी। गाओ कहता है डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हम आपके सगे बेटे हैं और आप हमारी बजाय इसके साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हो। डैड कहते हैं तुम सब चुप रहो, अगर ये ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तभी वहाँ पर ओयंग डॉक्टर आता है और लियान से कहता है तुम ठीक तो हो ना, और उसकी केयर करने लगा था जिससे लियान को कुछ अजीब लगता है कि इसे अचानक क्या हो गया। डैड कहते हैं देखो देखो ओयंग इसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, तुम दोनों भी सीख लो। फिर डैड लियान को कंपनी में भेज देते हैं। वहाँ पे फैंग मिस्टर वैन को अपने साथ लंच करने को बोल रही थी तो लियान ये देख जाने लगती है बट मिस्टर वैन उसे पकड़ लेता है और फिर फैंग से कहता है मैं अभी कंपनी के काम में बिजी हूँ तो तुम जाओ, इसलिए फैंग लियान को घूरती हुई चली जाती है। मिस्टर वैन काम करने लगा था तो लियान उसे गौर से देखने लग जाती है कि इसे तो सच में लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा काम में बिजी रहता है। फिर जाने लगी थी तो वो कहता है मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। लियान एक नॉर्मल सी ड्रेस चूज करती है बट वो उसे एक एलिगेंट सी ड्रेस देता है कि ये तुम पे सूट करेगी। जैसे वो ड्रेस पहन के आती है मिस्टर वैन के तो होश ही उड़ गए थे और उसे देखते रह गया था। तो कहता है पार्टी में ही वाली ड्रेस पहन लेना। पार्टी वाले दिन फैंग लियान से कहती है
तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मिस्टर वैन सिर्फ मुझे ही शादी करेगा क्योंकि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। किएन कहती है, हाँ तभी तो वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा, जिससे फैंग छिड़ गई थी और उसकी ड्रेस खराब कर देती है। लियान जब बाहर जाने लगी थी तो उसने वॉशरूम को भी बाहर से लॉक कर दिया था, जिससे वो अंदर ही बंद हो जाती है। तो वो मिस्टर वैन को फोन करने लगी थी, बट उसका फोन की बैटरी डाउन थी। इधर मिस्टर वैन लियान का वेट कर रहा था, तभी फैंग आती है और बताती है कि लियान अभी वॉशरूम में है, तुम चलो वो आ जाएगी। और उसका हाथ पकड़ जाने लगी थी तो जानबूझ के गिरने का नाटक करती है, जिससे वो उसे पकड़ ले। तभी वहाँ लियान की एंट्री होती है, बट इस पर ब्लैक ड्रेस में, और उसके साथ डॉक्टर ओयंग भी है। फैंग कहती है, ये कैसे बाहर आ गई? लियान कहती है, क्या हुआ, तुम शॉक हो गई मुझे देखकर? वो कहती है, नहीं तो तुम ओयंग के साथ आई हो ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रही थी। मिस्टर वैन को छुड़ाने के लिए ओयंग कहता है, चलो लियान साथ में डांस करें। तो लियान भी उसके साथ डांस करने लग जाती है और उसको थैंक यू करती है कि तुमने मुझे बाहर निकाला। कहता है, हाँ तुम है ही इतनी अच्छी, वैसे हम काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं। वो कहती है, पर पहले तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है, पर अब है मुझे। इनफैक्ट मिस्टर वैन उन्हें देख देख जेलस हो रहा था और ओयंग ये बात से खुश हो रहा था। फैंग कहती है, मैंने भी डांस सीखा है, चलो हम दोनों डांस करने चले। मिस्टर वैन जेलसी में ड्रिंक कर रहा था, पर उसे पता चल जाता है कि ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो जाने लगा था और फैंग उसके पीछे। बट लियान उन दोनों को जाते देख लेती है, फिर उसे मिस्टर वैन का मैसेज आता है कि मुझे ऑफिस के रूम में मिलो। लियान को कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो ऑफिस में आके देखती है मिस्टर वैन का सही में सिर चकरा रहा है। पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तो मिस्टर वैन को पता चल गया था, इसलिए वो जानबूझ के होटल रूम की जगह ऑफिस रूम में आ गया था और लियान को पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है। तो उसे किस करने लगा था, जिससे उसके तो होश ही उड़ गए थे। वो जल्दी से उसे दूर कर देती है, बट मिस्टर वैन फिर भी उसे चिपक रहा था, तो वो उसे मार के बेहोश कर देती है। सीन में मिस्टर वैन की आईज खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और कहता है, तुमने पूरी रात मेरा ध्यान रखा, थैंक यू। लियान वाज लाइक, हद हो गई, सीईओ हो तो तुम्हें हर कोई नशा ही देता फिरता है। और जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, तुमने मेरी दी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी और वो ओयंग के साथ क्यों थी? वो कहती है, मैंने तुम्हें चूज थोड़ी ना किया है जो तुम्हारी हर बात मानूंगी, और मैं ओयंग के साथ हूँ तो तुम्हें इससे क्या। तो मिस्टर ने उसे बताता है कि बचपन से ओयंग हर चीज के लिए मुझसे कंपैरिजन करता है, जब से मैं कंपनी का सीईओ बना हूँ वो इस बात से चिढ़ता है, भले डैड ने उसे हॉस्पिटल दे दिया बट वो इस बात से खुश नहीं है। तो मुझे लगता है वो तुम्हारे क्लोज भी इसलिए आ रहा है ताकि मुझसे जीत सके। लियान कहती है, तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो वो मना कर देता है। खाना खाते हुए गाव बताता है कि मैं न्यू एमवी शूट करने वाला हूँ, तो डैड कहते हैं, अपने साथ लियान को भी ले जाना। गाव कहता है, ये तो वहाँ जाकर मुसीबतें ही लाएगी। मॉम कहते हैं, हाँ इसे मत लेके जाना, बहुत एम्बेरसिंग होगा। ओयंग कहता है, एमवी बहुत बोरिंग होता है, लियान तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलना। और लियान को सूप देने लगा था, बट मिस्टर वैन उसे खुद छीन लेता है और खुद पी लेता है। वहाँ मत जाना, सुना है वहाँ पे तूफान आने वाला है। डैड कहते हैं, तो तुम किसके साथ जाओगी? लियान कहती है, सच कहूँ तो कंपनी में बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं गाँव के साथ ही जाऊंगी। मिस्टर वैन जेलस हो रहा था, पर ओयंग खुश हो रहा था। गाँव कहता है, पर मेरे साथ क्यों? नेक्स्ट डे गाँव की शूटिंग के लिए तैयारी चल रही थी, वहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा था, लियान थोड़ा थोड़ा उस सॉन्ग को गाने लगी थी। तो वो कहता है, तुम्हें गाना भी आता है? शूटिंग स्टार्ट होने लगती है, डायरेक्टर को पता चलता है कि हीरोइन का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ पाएगी, इसलिए वो परेशान था। बट लियान को देख कहता है, तुम इस शूट के लिए एकदम परफेक्ट हो, क्या तुम हीरोइन बनोगी? गाओ कहता है, डायरेक्टर तुम बहुत पछताओगे इसे हीरोइन बनाकर। तभी जैसे ही लियान रेडी होके आती है, गाओ की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। और फिर वो गाओ के साथ शूटिंग करती है जिसमें उसे डांस करना था, और वो दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और लास्ट में उनका थोड़ा रोमांटिक शूट था, इसलिए गाओ नर्वस हो रहा था तो जल्दी से उसे दूर हो जाता है। कहती है, क्या हुआ तुम मुझसे डर गए? गाओ कहता है, नहीं मैं तुमसे क्यों डरूंगा, मैं तो इसलिए दूर हुआ कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। लियान कहती है, ये अपनी तारीफ करना कभी बंद नहीं करेगा। डायरेक्टर कहता है, लियान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, क्यों ना इसी से सॉन्ग डब करवा ले। गाओ वाज लाइक, इसे गाना कहाँ आता होगा। लियान हाँ कर देती है। उन दोनों की डांस वीडियो काफी वायरल हो गई थी, जिसे मिस्टर वैन भी देख रहा था और जेलस हो रहा था। और लियान ने गाना भी गाया था, इसलिए कुछ लोगों को शक था कि लियान की आवाज फेमस सिंगर वैंसी से मैच करती है। गाओ कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वैंसी तो मेरी आइडल है, ये वो लड़की कैसे हो सकती है। पर मिस्टर वैन बैठा कुछ सोच रहा था कि ये लियान बहुत मिस्टीरियस है, इसकी कितनी आइडेंटिटी है। और इतने में फैंगा चाहती है और बताती है कि लियान ने गलती की है, उसने वैंसी जैसा बनने की कोशिश की है। बट गाओ इस पर लियान की साइड लेता है, तो वो सोचती है, भले ये थोड़ा पागल है पर दिल का अच्छा है। और फिर बताती है कि मैं ही वैंसी हूँ, बट ऑफ कोर्स वो लोग उसका विश्वास नहीं करते। पर गाओ उसको कॉल पकड़ लेता है कि वैंसी मेरी आइडल है, उसके बारे में कुछ मत बोलना। लियान वाज लाइक, पर अगर ये सच हुआ तो? लियान कहती है, तुम्हें मुझे बस सिस्टर कहना होगा।
गांव की गवार जैसा कुछ नहीं, तो गांव मान जाता है। फिर लियान अपने सिंगर वाले अकाउंट से गांव के साथ डांस वाली पोस्ट डालती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि लियान ही वैंसी है। इनफैक्ट उसका पूरा नाम लियान वैंसी है। गांव तो बड़ा खुश होता है और कहता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, और उसे हक करने वाला था बट मिस्टर वैन रोक देता है। मिस्टर वैन उसे देखने लगा था, और फिर मिस्टर वैन को पता चलता है कि ब्लू कंपनी के सीईओ ने फैंगर की कंपनी का साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिया, जिससे उनका नुकसान हो गया। तो वो लियान से पूछता है तुमने ये सब किया है ना, क्योंकि फैंग ने तुम पे आरोप लगाया था, उसने गलती से ये सब किया, तुम्हें उससे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं थी। पर लियान गुस्से से चली जाती है, और फिर रात में बार में आकर ड्रिंक कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ, जो उसे ब्लू कंपनी के बारे में डिस्कस करने आया था, और बताता है कि अगर हम मिस्टर वैन के साथ कोऑपरेशन कर लें तो हमें बहुत फायदा होगा। बट लियान अभी गुस्से में थी क्योंकि मिस्टर वैन ने फैंग की साइड ली थी। फ्रेंड देखता है कि वहाँ पर मिस्टर वैन बैठा है, तो कहता है चलो गेम खेलते हैं, ड्रिंक गेम, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे कहने पे उस लड़के के साथ जाकर फ्लर्ट करना होगा। लियान मान जाती है और वो गेम में हार जाती है, तो उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने जाती है। मिस्टर वैन उसे देखने लगा था, वो देखती है वहाँ पर तीन लड़के बैठे हैं, पर सबसे हैंडसम उसे मिस्टर वैन लग रहा था, इसलिए उसके पास जाती है। पर सोचती है ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, और फिर जाकर उसकी गोद में बैठ गई थी। टाई पकड़ कहती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। वो दोनों लड़के लियान को हॉट बोल रहे थे, तो मिस्टर वैन उन्हें इशारा करके चुप करा देता है, और लियान को बेसर बना कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है ये तो सच में मिस्टर वैन ही है, और उठ के जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के गोद में उठाकर ले जाता है, पर कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। मिस्टर वैन लियान को लाकर उसके रूम में बेड पे लिटा देता है, और उसे ब्लैंकेट उड़ा के जाने वाला था, बट वो उसका हाथ पकड़ कहती है मिस्टर वैन बहुत खड़ूस है। नेक्स्ट डे लियान को होश आता है, तो उसे याद आता कि उसने क्या कांड किया था। वो बड़बड़ा रही थी कि मिस्टर वैन तो उस फैंग को लाइक करता होगा, मेरी बजाय उस फैंग की साइड ले रहा था, तभी उसके साथ मिलकर मुझे बुली किया। मिस्टर वैन उसे छुपा रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट वो फिर भी उसके हाथ पे काट लेती है। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है, तो कहती है तुमने जानबूझकर ये किया ना। वो कहता है हाँ मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वो कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दूंगी। वो कहता है सॉरी सिस्टर ऐसा मत करना। लियान सोचती है कहीं मिस्टर वैन मुझे देख ना ले, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना उसे लगेगा मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। इसलिए वो कंपनी में चुप चुप के उसके ऑफिस में फाइल लग के भागने वाली थी, बट मिस्टर वैन वहीं बैठा था, उसे रोक लेता है और कहता है क्या तुम उसे छुपती फिर रही हो, तब तो हाथ दिखाने वाला था। इससे पहले वो कुछ बोलता वो उसका मुंह बंद कर देती है कि अगर तुम असली मर्द हो तो सब कुछ भूल जाओ, बट वो उसका हाथ पकड़ अपने क्लोज कर लेता है। इतने में वहाँ पर फैंग आ जाती है, वो दोनों दूर हो गए थे, तो कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ, चलो साथ में खाना खाएं। लियान कहती है तो मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अपने फ्यूचर वाइफ के साथ खाना खाओ, और जाने लगी थी, बट मिस्टर वैन उसकी बजाय लियान का हाथ पकड़ लेता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाने चलूंगा, जिसने तुम्हें बुली किया है मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ, और लियान को पकड़ के ले जाता है। फिर वो नूडल्स खा रहा था, तो कहती है तुम सीईओ होकर नूडल्स खा रहे हो, मुझे नहीं लगा था तुम इतने सिंपल हो। सच कहूं तो मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद है, मेरे डैड मुझे बना के देते थे और बहुत सारे ग्रीन अनियंस डालते थे, पर अब तो वो नहीं रहे। उसे सैड देख मिस्टर वैन को अच्छा नहीं लगता, और अपने ग्रीन अनियन उसे दे देता है कि तुम खा लो मेरा मन नहीं कर रहा। कहती है क्या तुम मुझ पे ट्राई मार रहे हो, या फिर मेरे डैड बनने की कोशिश कर रहे हो। तो मिस्टर वैन उसकी बाउल भी छीन लेता है, और अपने साथ साथ उसके नूडल्स भी खाने लगा था। तभी फैंग आकर उन दोनों को साथ में देख लेती है, और उसे मिस्टर वैन की लियान के साथ बार वाली फोटो मिल जाती है, तो वो बहुत गुस्से में थी। फिर रात में लियान जब जा रही थी अपनी कार के पास, तभी तीन गुंडे उसके पीछा करते हैं, वो उन्हें मार के भागने लगी थी बट वो उसके पीछे पड़ गए थे। लियान बहुत स्पीड से भागती है और बहुत आगे थी, बट कोई पैर अड़ा कर उसे गिरा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और पकड़ी जाती है। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, इस फैंग ने उसे किडनैप करवाया है, जो कहती है अगर तू ना होती मिस्टर वैन सिर्फ मुझसे शादी करता, पहले वो मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करता था, जब से तू आई है वो तो मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। इधर मिस्टर वैन को फिक्र हो रही थी क्योंकि लियान अभी तक नहीं घर आई थी, तो वो उसके फ्रेंड को कॉल करता है, जो बताता है कि लियान तो कब की यहाँ से निकल गई, अभी तक घर नहीं पहुँची, जरूर कुछ गड़बड़ है। लियान ने फ्रेंड को एड्रेस भेजा था, बट वो मिस्टर वैन को वो एड्रेस भेज देता है। मिस्टर वैन वहाँ जाता है तो देखता है तीन गुंडे खड़े हैं, तो वो अपना फोन दूर फेंक के छुप जाता है। गुंडे फोन उठाने लगे थे, और वो जल्दी से लियान के रूम में घुस जाता है और उसकी रस्सी खोल के उसे बचाने लगा था। इससे पहले कि दोनों भागते वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं, लियान उस गुंडे को लात मार के गिरा देती है, और बाकियों से मिस्टर वैन खुद निपट लेता है। एक गुंडा चाकू मारने वाला था लियान के, तो मिस्टर वैन उसे अपने हाथ से रोक देता है, जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था। बॉडीगार्ड्स आकर गुंडों को उठाकर ले जाते हैं, पर लियान देखती है उसके चोट लग गई। फ्रेंड भी आ गया था, तो वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ओयंग उसके ट्रीटमेंट में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, तो लियान कहती है सही से करो, तो कहता है
टेंशन मत लो, ये इससे मरने नहीं वाला, मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाएगा। मिस्टर एन पूछता है, तुम्हें किसने किडनैप किया? वो कहती है, तुम्हें पता है मैंने उस फैंग को भोली वाली समझा था, पर वो तो मुझे किडनैप करने के लिए कुंडे ले आई। मिस्टर एन कहता है, इस पर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो कहती है, अच्छा वो तुम्हारे सिर में चोट नहीं लगी। और उसके बाल छूने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम ही ब्लू कंपनी की सीईओ हो ना। पर लियान सोचती है, अगर इसे अभी बता दिया तो कुछ ठीक नहीं होगा, और कहती है, नहीं मैं कैसे सीईओ हो सकती हूँ। वो कहता है, फिर तुम्हारी ब्लू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ इतनी फ्रेंडशिप क्यों है? तो कहती है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता। मिस्टर बेन कहता है, तुम अब हमारी फैमिली की फैन से हो, तो और लड़कों से दूर रहना। लियान कहती है, क्या हुआ तुम जेलस हो रहे हो? नहीं ऐसा तो नहीं, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बट वो मुंह फेर लेता है, बट ही वाज लाइक, तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी सोचो। लियान के अच्छे डिजाइन की वजह से मिस्टर वैन दूसरी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने चाहता है और बता देता है कि लियान मेरी फियांसे है। वो कहती है, किसने कहा मैं तुम्हारी फियांसे हूँ? तो वो उसे इशारे से चुप कराता है, बट सामने वाला फिर भी नखरे दिखा रहा था, इसलिए मिस्टर वैन खुद ही उसे कोऑपरेशन करने से मना कर देता है। लियान कहती है, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं फॉरेनर कंपनी के साथ कोऑपरेशन कर लूंगा। लियान कहती है, तुम ब्लू कंपनी के साथ कोऑपरेशन क्यों नहीं कर लेते? उससे तुम्हारा फायदा भी होगा। वो कहता है, हाँ कर लेता, पर ब्लू कंपनी की सीईओ काफी मिस्टीरियस है, मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लियान सोचती है, टाइम वेस्ट, मैं तुम्हें इतना प्रॉफिट देती, पर तुम खुद ही मना कर रहे हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? और कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं ब्लू कंपनी की सीईओ को जानती हूँ, तुम उससे कोऑपरेशन कर लो, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं होंगी। स्टीवन कहता है, तुम श्योर हो? और फिर सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। गाओ कहता है, सिस्टर तुम्हारी वजह से मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि तुमने मेरी वीडियो में काम किया था। मिस्टर वैन की कंपनी के डिजाइन को प्रमोट करने के लिए लियान को आइडिया आता है कि वो एक वीडियो शूट करेंगे, बट उसमें एक लड़का लड़की होनी चाहिए। गाओ कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ वीडियो शूट कर लो। अंदर अंदर खुश हो रहा था, बट मिस्टर वैन गुस्से से तो घूर रहा था, और कहता है, लियान को सबके लिए टाइम नहीं है। गाओ कहता है, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? ओयन कहता है, हाँ वैसे भी लियान तुम्हारी चीज नहीं है कि वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। गाओ कहता है, डैड देखो ना इस मिस्टर वैन को, ये हमेशा ऐसे करता है। डैड कहते हैं, तुम सब लोग चुप हो जाओ, लियान खुद डिसाइड करेगी उसे गाओ के साथ शूट करना है या नहीं। और लियान मान जाती है, वो दोनों शूट कर रहे थे तो मिस्टर वैन जेलस हो रहा था और उसे पानी देने आता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है, मेरी कंपनी का शूट था तो मुझे तो आना ही था। गाओ कहता है, मुझे नहीं पता था भाई तू इतने बोरिंग स्टफ के लिए आएगा, कहीं तू यहाँ पे सिस्टर लियान के लिए तो नहीं आया? सिस्टर लियान सिर्फ मेरी है, मुझसे छीन मत लेना। बट लियान उसके कान पकड़ कहती है, क्या बोला? तुम अभी छोटे तो छोटे बनकर रहो। वो कहता है, नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। लियान जब जा रही थी तो गाओ भागकर आता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। कहती है, नहीं मैं बिजी हूँ। बट वो बार बार कहने लगा था कि मेरे साथ चलो, तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। मिस्टर वैन कार में बैठा कहता है, जल्दी करो मेरे साथ घर चलो। गाओ कहता है, भाई ऐसा मत करो, मैंने लियान को पहले अपने साथ चलने को कहा है। मिस्टर वैन कहता है, लियान मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट प्लान डिस्कस करना है। लियान समझ आती है कि मिस्टर वैन जेलस हो गया है इसलिए ओवरबीयरिंग बन रहा है, और वो गाओ को सॉरी बोलकर मिस्टर वैन के साथ चली जाती है। वो कुछ बोलने वाली थी तो मिस्टर वैन कहता है, गलत मत समझना, मैं तुम्हें बस बचा रहा था, अगर तुम गाओ के साथ रहोगी तो कुछ ना कुछ र्यूमर्स वायरल होती रहेंगी, अगर किसी ने तुम्हारी उसके साथ फोटो खींच ली और तुम और वो दोनों मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए उससे दूर रहने में भलाई है। तभी लियान को हॉस्पिटल से फोन आता है जो ओयन का था, और कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार थी ना, वो अभी मेरे हॉस्पिटल में है और सबसे बड़ा डॉक्टर मैं ही हूँ जो उसका इलाज कर सकता हूँ, तो जल्दी यहाँ 20 मिनट में पहुँचो। मिस्टर मैन पूछता है, क्या हुआ? वो कुछ बताती तो कहता है, सिर्फ तुम अकेली यहाँ पे आनी चाहिए, और फोन काट देता है। और फिर गिनती करने लगा था और उसके 20 बोलने से पहले ही लियान वहाँ पे आ जाती है कि तुम कैसे डॉक्टर हो, मेरी ग्रैंडमा को जल्दी बचाओ। कहता है, मैं दिन भर कितने ऑपरेशन करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, उन्हें बचाने का कोई तो रीजन होना चाहिए। वो कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, सीधे सीधे बोलो। ओयन कहता है, तुम्हें 3 महीनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा, वरना मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ऑपरेशन नहीं करने वाला, और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लियान कहती है, मुझे सब पता है, नाटक बंद करो। लियान मना कर रही थी तो कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम भी धीरे धीरे मुझे लाइक करने लगोगी। लियान कहती है, इसके अलावा मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो कहता है, नहीं पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए, देख लो वो बुढ़िया चलते टाइम बच नहीं पाएगी वरना, इसलिए लियान को हाँ करना पड़ता है। कहता है, बिल्कुल सही किया, अब 3 महीनों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। बट लियान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। फिर वो ग्रैंडमा को ऑपरेशन कर देता है और कहता है, अब तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना ही होगा। मिस्टर वैन वहाँ पे आता है तो वो जल्दी से लियान का हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर वैन पूछता है, तुम दोनों में क्या चल रहा है? तो ओयन कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, लियान मेरी गर्लफ्रेंड है। और लियान को पकड़ के रेश आता है, बट मिस्टर वैन चुपचाप खड़ा था। लियान उसका हाथ छुड़ा लेती है और उसके थप्पड़ मार देती है कि तुम कितने गिरे हुए हो।
ओयंग कहता है, खुश? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने उस मिस्टर वैन की शक्ल देखी? उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। लियान कहती है, यानी तुम मिस्टर वैन को जलाने के लिए सब कर रहे हो? पर इसका कोई फायदा नहीं, मिस्टर वैन मुझे लाइक नहीं करता। तुम्हारी हरकत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ओयंग उसे देखने लगा था और सोचता है, लगता है तुम्हें पता नहीं है मिस्टर वैन का तुम पे बहुत बड़ा वाला क्रश है। तुम्हारी मिस्टर वैन के दिल में क्या छगा है? लियान घर जा रही थी तभी उसे रास्ते में टल्ली मिस्टर वैन मिल जाता है और वो गिरने वाला था तो उसे पकड़ लेती है। तो मिस्टर वैन बड़बड़ा रहा था, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और ओयंग के लिए, बहुत खुश हूँ तुम दोनों साथ में हो। वो कहती है, क्या तुम यही चाहते हो कि मैं ओयंग के साथ रहूँ? और चाहने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहती है, मेरी मजबूरी है। तो कहता है, जो भी मजबूरी मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मुझे पता है वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा होगा। वो कहती है, नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगी, टेंशन मत लो, मैं उसे ब्रेकअप करने वाली हूँ। वैसे तुम नाटक कर रहे हो या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? मिस्टर वैन उसके फेस पे हाथ रख कहता है, अगर मैं करता हूँ तो? बट वो हाथ पकड़ लेती है कि कुछ चीजें अगर भी खत्म हो जानी चाहिए। पर मिस्टर वैन उसे रोक लेता है और उसे किस करने लगा था जिससे उसके होश ही उड़ गए थे। वो दूर हटा कहती है, तुम मुझे सच में लाइक करते हो? वो कहता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, प्लीज किसी और लड़के के पास मत जाया करो, मुझे बुरा लगता है। और तुम्हारा क्या, तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो? वो कुछ बोलने वाली थी इतने में वहाँ पर गांव लाइट मारता आ जाता है। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लियान कहती है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। गांव देखता है मिस्टर वैन काफी ड्रंक है तो कहता है, अब तो मैं डैड से इसकी शिकायत करूंगा खूब। और तीनों अंदर जाने लगे थे बट फैंग ने सबको सुन लिया था और वो इस बात से गुस्से में थी कि मिस्टर वैन को लियान से लव हो गया। और सोचती है, लियान तब तक मिस्टर वैन के साथ नहीं हो सकती जब तक उसका ओयंग के साथ ब्रेकअप नहीं होगा, इसलिए मैं उसका ब्रेकअप होने ही नहीं दूंगी। और ओयंग को फोन कर कहती है, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ। लियान अपने रूम में थी तभी मिस्टर वैन उसके रूम में आ जाता है। वो नर्वस हो रही थी। मिस्टर वैन पूछता है, यानी तुम भी मुझे लव करती हो? कहती है, नहीं तो। वो पूछता है, तो तुम किसे लाइक करती हो? वो कहती है, इतनी एक्साइटेड मत हो, मेरा मतलब मैं तुम्हें अभी लाइक नहीं करती, पर अगर तुम अच्छे से मुझे इम्प्रेस करोगे तो मैं फ्यूचर में मान सकती हूँ। मिस्टर वैन कहता है, पर मैंने तो आज तक कभी किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं किया। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड तो होगी? वो कहता है, नहीं है, एक फ्रेंड ने मुझे कन्फेस किया था पर मैं उसे लाइक नहीं करता था। लियान कहती है, यानी तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारी फर्स्ट लव हूँ? फिर तो तुम्हें और अच्छे से मेहनत करनी होगी, आखिर अपने फर्स्ट लव को जो इम्प्रेस करना है। मिस्टर वैन कहता है, ओके, पर तुम भी याद रखना, तुम्हारी नजरों में सिर्फ मैं ही हूँ, किसी और लड़की की तरफ मत देखना। लियान वाज लाइक, तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। मिस्टर वैन उसे गुड नाइट किस करके चला जाता है। पूछती है, ये आइस क्यूब इतनी जल्दी कैसे हो गया? पर मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं हो सकती। और फिर अपने फ्रेंड को कॉल करती है कि जल्दी जल्दी ग्रैंडमा को दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा दो। तो बताता है कि वो तो मैं करवा दूंगा पर ग्रैंडमा की सर्जरी डिटेल्स होनी चाहिए ताकि मैं दूसरे हॉस्पिटल में सबमिट करवा सकूं। लियान को याद आता है कि ग्रैंडमा की डिटेल्स तो ओयंग के हॉस्पिटल में होंगी, यानी मुझे वो डिटेल्स चुरानी होंगी। नेक्स्ट डे मिस्टर वैन और लियान जा रहे थे तो मिस्टर वैन को याद आता है उसके फ्रेंड ने बताया था कि लड़की को कैसे इम्प्रेस करना है, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देने हैं और पैसे देने हैं। इसलिए मिस्टर वैन लियान को अपना क्रेडिट कार्ड देने लगता है कि तुम्हें जो पसंद हो इसे ले लेना। बट वो हंसने लगी थी तो कहता है, क्या हुआ, तुम इम्प्रेस नहीं हुई? लड़कियां ऐसे तो इम्प्रेस होती हैं। लियान कहती है, लगता है तुम लड़कियों को अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हो। चलो छोड़ो, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, मुझे कोई काम है। कहता है, तुम्हें उस ओयंग से मिलना है? क्या काम है तुम्हें उससे? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है, कुछ चीजें खुद से हैंडल करनी चाहिए, तुम बताओ तुम मुझे छोड़ के आओगे या नहीं, या मैं खुद जाऊँ? मिस्टर वैन कहता है, ओके ओके छोड़ाऊंगा, तुम्हें पता है मुझे अच्छे से लड़कियों को इम्प्रेस करना नहीं आता, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। कहती है, ओके ओके मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह है। फिर मिस्टर वैन उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है तो लियान जल्दी से ओयंग के ऑफिस में फाइल ढूंढने लगी थी बट उसे नहीं मिलती। तभी ओयंग अगर कहता है, क्या तुम्हें इस डॉक्यूमेंट की जरूरत है? लियान जल्दी से वो डॉक्यूमेंट छीन के अपने कपड़ों में छुपा लेती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तो मेरे पीछे छोड़ दो। कहता है, अब तुम्हें मैं और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। लियान कहती है, मुझे समझ में नहीं आता तुम अपने भाई से इतना कंपटीशन क्यों करते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है तो उससे इतना जलते क्यों हो? बट वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, किसने कहा मैं उससे जलता हूँ? वो उसका गला घोट रहा था इसलिए लियान उसके मार के चली जाती है और जल्दी से ग्रैंडमा को ट्रांसफर करवाने को बोल रही थी। जैसे वो रोड क्रॉस करने लगती है एक कार उसे ठोकने वाली थी, वो एकदम डर जाती है बट तभी मिस्टर वैन आकर उसे खींच लेता है जिससे उसके होश उड़ गए थे। तो कहती है, तुम मरना चाहते हो क्या? मिस्टर वैन कहता है, ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें अभी बचाया है। तो कहती है, पर मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हो? मिस्टर वैन कहता है, मैं तुम्हें लव करता हूँ और मैं तुम्हें बिना प्रोटेक्ट किए नहीं रह सकता। तो कहती है, पागल कहीं के दोबारा ऐसा मत करना। तभी उसे फोन आता है कि
ग्रैंडमा ठीक नहीं है। लियान जल्दी से हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडमा की अभी भी सर्जरी हुई थी पर उन्हें गलत मेडिसिन दी गई जिससे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए हम उन्हें नहीं बचा पाए। लियान कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब उस ओयंग ने किया है मुझसे बदला लेने के लिए। इतने में ओयंग आता है तो उसके थप्पड़ मार देती है। तुमने जानबूझ के ग्रैंडमा की मेडिसिन चेंज कर दी थी ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहता है, क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ मैंने उनका यूज किया था पर अब वो मर गई, इसमें मेरी क्या गलती। स्टीवन कहता है, तुम्हारे हॉस्पिटल में गड़बड़ हुई है इसलिए लियान का तुम पे शक है। बट ओयंग साफ साफ मना कर देता है कि तुम चाहे चेकिंग कर लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लियान कहती है, ओके मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी पर अगर वो कातिल तुम निकले तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। मिस्टर वन लियान को चुप कराता है कि टेंशन मत लो, मैं भी ग्रैंडमा को जस्टिस दिलाकर रहूंगा। ओयंग उसका हाथ पकड़ कहता है, भूलो मत तुम मेरी हो, बट वो उसके थप्पड़ मार देती है कि मुझसे दूर रहना समझे तुम। आई को गई के उसका गरीब होने लगा था, बट मिस्टर वन बीच में आ जाता है कि गलती से लियान को हाथ भी मत लगा देना। ओयंग बकवास किए जा रहा था इसलिए वो उसको थप्पड़ मार देता है और लियान को पकड़ के ले जाता है। ओयंग सोचता है, जब मैंने मेडिसिन चेंज नहीं की तो किसने की है, कहीं उस। वो दोनों घर पे आके देखते हैं, फैंग घर पे बैठी है तो कहती है, सॉरी मैंने अपनी गलती की सजा ले ली, मैं आंटी को बहुत मिस कर रही थी इसलिए उनसे मिलने आई हूँ। मॉम कहती है, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है। मिस्टर वैन के डैड तो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं तो घर पे कोई भी नहीं है, पर इतना सारा खाना है तुम दोनों भी खा लो। वो दोनों साथ में बैठ के खाने लगे थे तो फैंग आंटी को सर्व करती है। आंटी कहती है, देखा ये कितनी अच्छी है। मिस्टर वैन क्यों ना तुम फैंग के साथ शादी कर लो, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो। मिस्टर वैन कहता है, नहीं मैं किसी और को लाइक करता हूँ और बता देता है कि वो लियान को लाइक करता है। पर मॉम कहती है, तू इससे कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करती। फिर रात में मिस्टर वैन अपने कमरे में सोने जा रहा था तभी मॉम उसके रूम में मिल्क लेके आती है और बताती है कि तेरी लियान से कभी भी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तेरे डैड का फर्स्ट लव कोई और नहीं लियान की मॉम थी, तो हो सकता है लियान तेरे डैड की बेटी हो यानी तेरी हाफ सिस्टर। मिस्टर वैन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे डैड पे भरोसा है और वैसे भी डैड अपनी बायोलॉजिकल बेटी की मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं। मॉम रोने का नाटक करने लगी थी और सोचती है, ये सब झूठ बोलने पे ही तू उस लियान से शादी नहीं करेगा। यानी मॉम झूठ बोल रही है। मॉम कहती है, तू उस लियान को भूल जा, मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर लड़कियों की लाइन लगवा दूंगी। समझ आता है कि मॉम ये सब ड्रामा कर रही है ताकि वो लियान को लाइक ना करे, यानी लियान उसकी हाफ सिस्टर नहीं है, वो बस झूठ बोल रही थी। कहता है, मॉम आप जाकर रेस्ट करिए। वो कहती है, मैं जा रही हूँ पर तू मिल्क पीना मत भूल जाना। मिस्टर वैन जैसे मिल्क पीता है तो मॉम चली जाती हैं। पर मिस्टर वैन का सिर चकराने लगा था और उसका सिर घूम रहा था तब उसे सपने आने लगते हैं जिसमें लियान उसके साथ रोमांस कर रही है, यानी वो लियान को इतना लाइक करता है। कहता है, मैं ये क्या क्या सोच रहा हूँ। इतने में वहाँ पर फैंग आती है और उस पर ट्राई मारने लगी थी बट वो कहता है, फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसे धक्का मारता है। लियान का नाम बोलते बोलते वो बेहोश हो गया था। फैंग कहती है, अब भी उस लियान का नाम ही बड़बड़ा रहा है, भले मैं तुम्हें पानी सकती पर तुम्हें उसका होने भी नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे लियान मिस्टर वैन के रूम में आती है, कहती है, तुम्हें नशा दिया गया था। तो बताता है कि मेरी मॉम मुझे मिल्क लेके गई थी। लियान को हंसी आ जाती है कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हें नशा दे रही है। वो कहता है, यानी तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो। लियान उसके करीब होती है पर फिर बताती है कि ये देखो फैंग ने मुझे तुम्हारे साथ फोटो सेंड की है, तभी मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मिस्टर वैन कहता है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही थी। वो इग्नोर कर जाने वाली थी बट उसे पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है। कहता है, तुम मुझे लाइक करती हो ना। लियान कहती है, छोड़ो मुझे, और जाने लगी थी बट वो उसे देखने लगता है तो जल्दी से हाथ रख लेती है बट मिस्टर वैन उसे किस करने लगा था और वो भी उसे नहीं रोक पाती। यहाँ तक कि लियान अभी भी गुम थी और कहती है, क्या तुम्हें अभी भी नशा हो रहा है। बट उसका हाथ अपने सीने पे रख कहता है, तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है, यानी तुमने मुझे किस कर दिया, और उसके मारने लगी थी बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है। तो लियान उससे जाने लगी थी, इतने में उसकी मामा चाहती हैं और लियान से कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे बेटे के रूम में उसे सेड्यूस करने आई थी, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम सीओ की वाइफ बन जाओगी। लियान कहती है, लगता है आपका दिमाग कुछ ज्यादा चलता है, मैं इतनी घटिया ट्रिक्स अपनाकर सीओ की वाइफ नहीं बनना चाहती, समझी आप। मिस्टर वैन कहता है, मॉम आप गलत समझ रही हो, मैं लियान पे ट्राई मार रहा था क्योंकि मैं सिर्फ उसे लाइक करता हूँ। तभी फैंग चाहती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करते थे। वो कहता है, मैं तुम्हारी एज ए सिस्टर केयर करता था, प्लीज मेरे पीछे छोड़ दो। तो फैंग चली जाती है बट मॉम गुस्से में थी और कहती है, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, तेरी माँ ने मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश की थी। लियान कहती है, बस बहुत हो गया, आपने मेरे बारे में बोला मैंने इग्नोर किया पर मेरी मॉम के बारे में कुछ मत बोलना। मॉम कहती है, अच्छा तो जाकर अपने अंकल से पूछ, वो तेरा अंकल है या तेरा डैड, और चली जाती है। लियान कहती है, क्या जो आंटी बोल रही थी वो सच है। कहता है, नहीं विश्वास करो, मॉम जानबूझ के ऐसा कह रही हैं। बट लियान सच का पता लगाना चाहती थी और उसके पास एक आइडिया था, डीएनए टेस्ट,
फिर वो अपना और मिस्टर वैन के डैड का डीएनए टेस्ट करवाने चाहती है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगना था इसलिए वो चली गई थी। बट ओयन को पता लग जाता है कि वो डीएनए टेस्ट कराने आई है, इसलिए वो गड़बड़ कर देता है। फिर वो रिपोर्ट आंटी को दिखाती है कि देखिए प्रूफ हो गया, मेरी मॉम का आपके हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं था और वो सिर्फ मिस्टर वैन के डैड है, मेरे नहीं। पर रिपोर्ट बदली हुई थी इसलिए ओयन के पसीने छूट रहे थे। इनफैक्ट मिस्टर वैन ने पहले ही डीएनए टेस्ट कहीं और से करवा लिया था। मिस्टर वैन कहता है मैं सिर्फ लियान से शादी करना चाहता हूँ, उस फैन से नहीं। पर मॉम मना कर चाहती है कि जब से ये लड़की आई है तुम तीनों मेरी सुनते ही नहीं हो। गाओ कहता है सिस्टर लियान तुम मेरे ब्रदर को कैसे लाइक कर सकती हो, तुम्हें तो मुझे लाइक करना चाहिए। अब मैं बहुत गुस्सा हूँ। मिस्टर वैन कहता है टेंशन मत ले, अब तेरी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। गाओ कहता है सिस्टर लियान अगर इसने तुम्हें फ्यूचर में बुली किया ना तो तुम मेरे पास आ जाना। लियान सोचती है इस गाओ को तो सिर्फ मिस्टर वैन ही ठीक कर सकता है। मॉम लियान से कहती है तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी किसी और अमीर लड़के से शादी करवा दूंगी। बट लियान मना कर देती है। मॉम गुस्से से उसके थप्पड़ मारने वाली थी, लियान हट जाती है और वो नीचे गिरने वाली थी पर लियान उन्हें पकड़ के बचा लेती है। फैन कहती है आंटी मैं मिस्टर वैन से सच में शादी करना चाहती हूँ और इसके लिए आपको मरना होगा, और मॉम को धक्का मार देती है जिससे वो सीढ़ियों से गिर गई थी। पर फैन चिल्लाने लगती है कि देखो देखो आंटी को लियान ने धक्का मार दिया। इतने में सब लोग भगे भगे आते हैं। ओयन चक्कर के बताता है कि काफी मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं, जल्द से इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। वो तो नीचे आती है, फैंग मिस्टर वैन का हाथ पकड़ के कहती है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से लियान गुस्सा हो गई और उसने आंटी को नीचे गिर दिया। लियान कहती है अच्छा तुमने ये सब मुझे फ्रेम करने के लिए किया था। लियान को फैंग पे इतना गुस्सा करता देख मिस्टर वैन पूछता है लियान से क्या तुमने ये सब किया है। लियान सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तो कहती है ओके जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है तो मुझे बताने की क्या जरूरत है, मान लो कि मैंने ये सब कुछ किया। कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है पर तुम मुझे शक की नजरों से देख रहे हो तो आगे से कैजुअली ही किसी को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस मत करना। और कहती है जैसा कि मैं तुम लोगों की फैमिली में रहने आई थी पर अब मुझे यहाँ से जाना होगा। गाओ से रोकने वाला था बट फैन कहती है हाँ तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर वैन कहता है तुम चुप रहो मैं इस मैटर को खुद सॉल्व कर लूंगा। फैन कहती है तो इसे कहो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे तो मैं इसे अभी माफी मांग लूंगी। लियान कहती है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। इतने में एम्बुलेंस वाले उसकी मॉम को ले जाने लगे थे और मिस्टर वैन भी उसे छोड़कर चला जाता है। लियान सोचती है यानी शुरू से मैं सिर्फ एक आउटसाइडर थी और उनके घर से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर वैन को मैसेज आता है कि लियान सेफली अपने घर पहुंच गई है। फैन कहती है आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी, तुम जाकर रेस्ट करो मैं इनके पास रुकूंगी। वो कहता है नहीं तुम जाकर रेस्ट करो मैं मॉम के पास ही रुकूंगा। पर फैन कहती है कोई बात नहीं मैं बचपन से आंटी के साथ रही हूँ तो ये मेरी मॉम जैसी हैं, भले तो मुझे लाइक नहीं करते पर मैं हमारी फ्रेंडशिप को नहीं भूली हूँ। मिस्टर वैन कहता है हाँ फैंग ऐसा कैसे कर सकती है मेरी मॉम के साथ, और उसे भेज देता है। फिर वो लियान को फोन लगाने लगा था बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए वो सेक्रेटरी को लियान के बारे में पता करने को बोल देता है। पर सेक्रेटरी बताता है कि लियान ने तो ऑलरेडी कंपनी में रिजाइनेशन लेटर भेज दिया है। वो हैरान था और फिर लियान के फ्रेंड को कॉल करता है बट वो भी बताता है कि लियान ने मुझे नहीं बताया वो कहाँ पे है। पर पता चलता है फ्रेंड झूठ बोल रहा है क्योंकि लियान तो उसके सामने बैठी थी और उसने उसे झूठ बोलने को कहा था। लियान सोचती है मुझे उस फैंग के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना ही होगा वरना वो सुधरने नहीं वाली। पर उसे ये भी पता था कि घर में तो कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा जिससे वो पकड़ी जाए। फ्रेंड कहता है अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जब आंटी होश में आएंगी तो वही बताएंगी कि उन्हें किसने धक्का मारा। लियान कहती है नहीं हमें और भी कुछ करना है, हमें आंटी को प्रोटेक्ट करना होगा तब तक वरना वो फैंग आंटी को जान से मार देगी। दूसरे एक इन्वेस्टिगेटर को आंटी का ध्यान रखने के लिए लगा दो। फ्रेंड कहता है मिस्टर वैन और उसकी मॉम तुम्हें गलत समझ रही थी तो तुम उसी की हेल्प क्यों कर रही हो। बट वो उठकर चली जाती है। उसे रास्ते में मिस्टर वैन मिलता है तो वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि मॉम कैसे गिरी थी। लियान कहती है अगर मैं कहूँ कि फैंग ने उन्हें धक्का मारा तो, बट वो चुप था तो कहती है मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, और हाथ छुड़ा के जाने लगी थी बट वो उसे पीछे से हक कर लेता है कि मुझे तुम पे भरोसा है पर फैंग मेरी मॉम को हर्ट क्यों करेगी, मॉम तो हमेशा उसी के साइड लेती थी। लियान कहती है बस बहुत हुआ मेरा तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, और गुस्से से चली जाती है। नेक्स्ट डे लियान हॉस्पिटल में आ जाती है तो फैंग उस पर चिल्लाने लगी थी तुझे शर्म नहीं आती पहले आंटी को धक्का मारा और अब यहाँ आ गई। लियान कहती है बकवास बंद कर तूने कहा था ना तुझे प्रूफ चाहिए तो मैं इस पर प्रूफ लेके आई हूँ। फैंग कहती है जरूर ये फेक होंगे। लियान कहती है बिना देखे फेक बोल रही है, ये देख ये प्रूफ है कि तूने ग्रैंडमा की मेडिसिन चेंज की थी, यानी तू मेरी ग्रैंडमा की मर्डरर है।
और ये देख, तूने आंटी का ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, तो फोटोज दिखाती है। पर फैंग अभी नहीं मान रही थी और बोल रही थी कि ये झूठी है। मिस्टर वैन फैंग को पूछता है, तुम सच बताओगी या मैं निकलवाऊं? वो कहती है, तुम मेरे विश्वास करो, आंटी तो मेरे साथ अच्छा बिहेव करती थी, तो मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। इतने में वहाँ पर ओयंग आ जाता है और बताता है कि फैंग सच बोल रही है, ये सब फेक प्रूफ है और वैसे भी मेरी मॉम अभी तक उठी नहीं है। अगर वो उठ के खुद बताएंगे कि फैंग ने ये सब किया है तभी हम इस बात पे विश्वास करेंगे। पर मिस्टर वैन उन दोनों को चुप करा देता है और बाहर जाने को बोल देता है। ओयंग कहता है, अगर इस टाइम मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम तो जेल पहुंच गई होती। वो थैंक यू करती है तो वो कहता है, टेंशन मत लो, जब तक मेरी मॉम उठेगी नहीं तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी रियल मॉम है। ओयंग कहता है, मेरी मॉम? वो मेरी रियल मॉम नहीं है, मैं अडॉप्टेड हूँ, उस मिस्टर वैन की मॉम है और मेरे पास एक तरीका है जिससे मिस्टर वैन की मॉम को होश नहीं आएगा। इधर मिस्टर वैन लियान से कहता है, मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहती है, पर तुम्हें तो उस फैंग पे भरोसा था ना। कहता है, नहीं मुझे फैंग पे शक है, क्योंकि ओयंग कभी भी फैंग की साइड नहीं लेता, पर इस बार उसने अचानक से फैंग की साइड ली। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे शक है कि वो दोनों मॉम को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हमें मॉम के हॉस्पिटल चेंज करवाना होगा। तो लियान भी उसके साथ कोऑपरेशन करने के लिए मान जाती है। फिर जब वो जा रही थी तो ओयंग उसे रोक लेता है, कहता है, मेरे पास प्रूफ है जिससे साबित हो जाएगा कि फैंग ने तुम्हारी ग्रैंडमा को जान से मारा था और उसी ने मॉम को नुकसान पहुंचाया है, पर अगर तुम प्रूफ लेना चाहती हो उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लियान मना कर देती है तो कहता है, बस फेक मैरिज ही तो है, उसके बाद हम डाइवोर्स कर लेंगे। लियान कहती है, तुम मुझसे सिर्फ शेयर्स की वजह से शादी करना चाहते हो और मिस्टर वैन को हराने के लिए, अगर तुम शेयर ले भी लोगे तब भी तुम मिस्टर वैन को नहीं हरा पाओगे। और चली जाती है। वो कहता है, अगर तुम एग्री हो तो किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकती हो, बट लियान जाकर ये बात मिस्टर वैन को बता देती है और दोनों को गड़बड़ लगती है कि लियान उस फैंग के साथ मिला हुआ है और मॉम को हर्ट कर रहा है, ऐसे तो वो मॉम को उठने नहीं देगा। लियान कहती है, टेंशन मत लो, तुम मॉम की मेडिसिन का अच्छे से ध्यान रखो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था तो वो पूछता है, मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया तब भी तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो? तो वो कहती है, वो तुम्हारी मॉम है, मैं नहीं चाहती मेरी तरह तुम भी किसी अपने को खो। स्टीवन कहता है, क्यों ना, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक हम साथ रहें। लियान अपनी आईज बंद कर लेती है तो मिस्टर वैन उसे किस करने लगा था, बट वो अचानक से हाँ कर देती है। कहता है, पर तुमने तो कहा था पहले मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना है, तो वो उसके गाल नोचने लगी थी। नेक्स्ट डे वो हॉस्पिटल आती है तो मिस्टर वैन नीचे बैठा था। वो कहती है, क्या हुआ? तो बताता है कि डॉक्टर ने बताया है मॉम कोमा में चली गई, वो अब कभी नहीं उठ पाएंगी। पूछती है, तुमने उनकी मेडिसिन चेक की? तो बताता है कि मैंने मेडिसिन अच्छे चेक की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर उस ओयंग ने किया है। वो कहती है, रुको, हमें पहले मॉम को ठीक करना होगा, उसके बाद उस ओयंग को देख लेंगे। स्टीवन कहता है, मैंने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढ लिए पर वो कोई भी मॉम को ठीक नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं अपनी मॉम को भी नहीं बचा पा रहा। यान कहती है, टेंशन मत लो, मैं अपने मास्टर को बुला लूंगी, इनफैक्ट उसके मास्टर फेमस डॉक्टर है। कहता है, पर तुम उन्हें कैसे जानती हो? तो बताती है कि वो मेरे ग्रैंडपा के फ्रेंड है। स्टीवन कहता है, पर मैंने सुना है वो बहुत खड़ूस है, किसी की बात नहीं सुनते। तो लियान ने वीडियो कॉल करती है और बताती है कि आपको इनका इलाज करना है, ये कोमा में गई हुई हैं। तो मास्टर मान जाते हैं। ग्रैंडपा अपनी पावर से मॉम को ठीक करने लगे थे और बताते हैं कि अगले 12 घंटों में तुम्हारी मॉम को होश आ जाएगा। मिस्टर वैन उनका थैंक यू करता है तो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम लियान के फ्रेंड हो, तुम्हारी हेल्प करना मेरा फर्ज है, और चले जाते हैं। लियान कहती है, हम आज रात यहीं रहेंगे ताकि ध्यान रखें मॉम को होश आ जाए, वरना उन दोनों में से किसी ने देख लिया तो गड़बड़ कर देंगे। वो दोनों रात भर उनके पास बैठते हैं और मॉम को होश आ जाता है। पानी मांग रही थी तो उन्हें पानी पिलाते हैं। तो मॉम लियान को देखने लगी थी और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इतने में वहाँ पर फेंगा चाहती है और मॉम को होश में देख एकदम हैरान थी, पर फिर भी नाटक करने लगी थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बट मॉम सबको बता देती है कि उन्हें धक्का मारने वाली कोई और नहीं, फेंग है। पर फेंग अभी नहीं मान रही थी और कहती है, मेरे पास एक फिटनेस है। तभी वहाँ पर ओयंग आता है और ओयंग से कहती है, ओयंग तुम सच बताओ, मैंने आंटी को धक्का नहीं मारा ना? आंटी को जरूर कोई ब्रेन प्रॉब्लम है। बट ओयंग उसका हाथ छुड़ा लेता है, कहता है, तुम क्या बोल रही हो, ऐसे डॉक्टर मैं बता सकता हूँ, मॉम बिल्कुल सही सलामत है, और फैंग को धक्का मार देता है। फैंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चाकू उठाकर मॉम की गर्दन पे रख लेती है और कहती है, मिस्टर वैन, मैंने तुम्हें बचपन से लाइक किया और तुमने मुझे ये सिला दिया, मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ूंगी नहीं। वो कहता है, मेरी गलती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसे वो चाकू उठाने लगी थी, ओयंग उसके चाकू छीन के उसे लात मार देता है जिससे वो गिर गई थी, पर चाकू से ओयंग के ब्लड निकलने लगा था। लियान कहती है, लो हैंकी लो। वो सोचता है, ये मेरी अभी केयर करती है। और फैंग को बॉडीगार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। मॉम कहती है, दोबारा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
और फिर लियान से माफी मांगने लगी थी कि आगे से मैं तुम्हारे और मिस्टर वैन के बीच में नहीं आऊंगी। अगर इसने तुम्हें बुली किया तो मैं ऐसे भी नहीं छोड़ूंगी। तो एक सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। इससे तो ये मिस्टर वैन और लियान और ज्यादा करीब आ गए। और फिर वो लियान के पास जाता है तो कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर तुम मिस्टर वैन को बताओ मैं क्या करूँ। वो कहती है, तुम नाटक करना बंद कर दो। बट तभी मिस्टर वैन आ जाता है और कहता है, ये तेरी सिस्टर इन लॉ है, समझा तू, तो उससे डिस्टेंस बना के रख। ओयंग चला जाता है। लियान कहती है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ओयंग अपनी मॉम का फायदा कैसे उठा सकता है, कहीं कोई सीक्रेट तो नहीं। मिस्टर वैन कहता है, टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगा, ये मामला निपट गया है तो हमें साथ हो जाना चाहिए। तो वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में वो तीनों खड़े थे और डैड लियान से पूछते हैं, बताओ तुम्हें कौन पसंद है। मॉम कहती है, आप बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे ना तो आपको पता नहीं चला, रियल में लियान मिस्टर वैन को लाइक करती है। वो कहता है, लियान मिस्टर वैन की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, वो सिर्फ उसे लाइक करेगी, सभी तो सकता है वो मुझे लाइक करती हो। कहते हैं, तू भी उसे लाइक करता है, और ओयंग तू भी, तुम सब उसे लाइक करते हो, पर लियान तो सिर्फ एक ही है, तो लियान तुम ही बताओ तुम किसे लाइक करती हो। लियान सोचती है, वैसे तो मैं मिस्टर वैन को लाइक करती हूँ पर ये पब्लिक में बताना जरूरी है। तो कहती है, मैं किसी को भी चूज नहीं करना चाहती, पर वो सब फिर भी बोले जा रहे थे। तो कहती है, मैं मिस्टर वैन को लाइक करती हूँ। वैन खुश होता है। डैड कहते हैं, तो बताओ तुम दोनों कब एंगेजमेंट करने वाले हो। लियान कहती है, इतनी जल्दी। मॉम कहती है, जल्दी कहाँ, मिस्टर वैन 24 का हो गया है, भले ही तुम सिर्फ 20 को हो पर अभी तुम एंगेजमेंट कर लो, जब तुम 21 की हो जाओगी तो शादी कर लेना, क्या पता अगले साल मेरे पास ग्रैंडसन आ जाए। लियान कहती है, रुकी रुकी, एंगेजमेंट को जल्दी नहीं हो रही। कहती है, जल्दी काहे की, तुम दोनों तो वैसे ही दूसरे को लाइक करते हो ना। मिस्टर वैन कहता है, हाँ मॉम सही कह रही है, हमें जल्दी एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। सोचता है, फिर ये पूरी फैमिली की फैंसी नहीं सिर्फ मेरी फैंसी होगी। रात में लियान अपने रूम में जा रही थी तो मिस्टर वैन भी उसके रूम में घुस आता है और कहता है, तुम अभी एंगेजमेंट क्यों नहीं करना चाहती, तुम मुझे लाइक करती हो ना, या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। कहती है, ऐसा नहीं है, बस बहुत जल्दी हो रही है ना, मुझे कभी प्यार हुआ नहीं है। मिस्टर वैन कहता है, पर तुम्हें देख के तो लगता है सब लड़के तुम्हारे आसपास ही घूमते रहते होंगे। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन से मैं ताइक्वांडो करती थी ना, इसलिए सब लड़के मुझसे डर के भागते थे, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मिस्टर वैन उसे हंसकर कहता है, किसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना, वही बहुत है, प्लीज हाँ कर दो ना। वो कहती है, तुम इतने बॉसी क्यों हो। तो कहता है, देखो मैं हर बार तुम्हारी बात मानता हूँ, प्लीज इस बार मान जाओ। तो लियान कहती है, मुझे लगता है हमें थोड़ा टाइम की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। मिस्टर वैन कहता है, ओके मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कहती है, ओके तो फ्यूचर हस्बैंड। तो वो भी हैंडशेक करके कहता है, ओके फ्यूचर वाइफ। इधर ओयंग घर छोड़ के जा रहा था। डैड कहते हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो कहता है, मुझे सब पता है, आपके दिल में सिर्फ वो मिस्टर वैन है, वही आपका बेटा है ना। लियान अगर डैड को शांत करती है तो डैड बताते हैं कि तुम्हें पता है इसने क्या किया, इसने हॉस्पिटल बेच दिया और अब ये हमारी एनिमी कंपनी के साथ जाके मिल गया है। ओयंग कहता है, बस कीजिए, मुझे सब पता है, आपने उस मिस्टर वैन को तो सीईओ बना दिया कंपनी का और मुझे डॉक्टर, हॉस्पिटल दे दिया मुझे वो। डैड कहते हैं, क्योंकि तेरा बचपन का सपना था कि तू डॉक्टर बने, इसलिए मैंने ऐसा किया। कहता है, बस करिए, मैं तो पिघल गया हूँ, सच बताऊँ तो मैं आपकी फैमिली का है ही नहीं और मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ। डैड कहते हैं, तुझे कैसे पता। तो कहता है, मुझे सब पता है, मेरे रियल डैड को आपने मार दिया है इसलिए आपको मुझे अडॉप्ट करना पड़ा। डैड रोने लगे थे और बताते हैं कि ऐसा नहीं है, तेरे डैड ड्रंक होके ड्राइव कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और मैं वहां से जा रहा था, पर उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक बेटा है, इसलिए मैंने तुझे अडॉप्ट किया ताकि तुझे अपने डैड की कमी का एहसास ना हो। बट ओयंग तो उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था, इनफैक्ट उसे एनिमी कंपनी वालों ने भड़का दिया था। लियान कहती है, तुम्हें शर्म है नहीं है, अंकल ने तुम्हें इतने सालों से पाला है और तुम उन्हें ऐसा सिला दे रहे हो। बट ओयंग कहां सुनने को तैयार था, और वो तो एनिमी कंपनी के साथ मिलकर मिस्टर वैन को हराना चाहता था। डैड रो रहे थे और उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती है। अभी वहाँ पर मिस्टर वैन आ जाता है तो लियान सारी बात मिस्टर वैन को बता देती है। मिस्टर वैन कहता है, मैंने सोचा था हम सब भाई साथ मिलकर रहेंगे पर वो हमेशा ऐसी कोई ना कोई हरकत करता रहता है। इतने वहाँ पर गांव और मॉम भी आ जाते हैं तो मॉम रोने लगी थी क्योंकि उन्होंने तो ओयंग को भी अपने बेटे जैसा पाला था पर उसने फिर भी ऐसा किया। मिस्टर वैन से कहती है, तू उसे मना ना। तो कहता ओके मॉम, इसलिए मिस्टर वैन एनिमी कंपनी में जाता है ओयंग से बात करने और उसे समझाने लगा था। तो बताता है, तू भूल गया, तूने बचपन में कहा था कि तू लोगों की जान बचाना चाहता है, इसलिए डैड ने तुझे डॉक्टर बनाया और तुझे हॉस्पिटल दिलवाया, पर तू मुझसे कंपटीशन करने के चक्कर में अपना ड्रीम भूल गया। तुझे क्या लगता है सीईओ बनकर लाइफ बहुत इजी है, पता है सीईओ को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सारे एम्प्लॉयज और कंपनी की जिम्मेदारी उसी पर होती है। पर वो यंग कहां सुनने को तैयार था और कहता है, अब हम दुश्मन बन चुके हैं तो तू यहां से चला जा। मिस्टर वैन भी समझ गया था वो यंग ऐसे नहीं सुधरने वाला। फिर मिस्टर वैन लियान को बताता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे बहुत सारे ज्वेलरी डिजाइन वापस हो रहे हैं
क्योंकि तुम पे प्लेगरिज्म का आरोप लगा है। लियान कहती है टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। और फिर वो अकेली वहाँ जाती है तो सब लोग उसकी फोटो खींचने लगे थे। ओयंग कहता है तुमने बेस्ट डिजाइनर मिस एंजल का डिजाइन चुराया है और यहाँ के खुद को प्रूफ करने आई हो। वो कहती है क्योंकि मिस एंजल मैं ही हूँ। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अब्रॉड में स्टडी करने गई थी और तुम तो गांव की हो। तो लियान उसे गोल्ड पेन दिखाती है जो सिर्फ बेस्ट डिजाइनर के पास होता है। बट ओयंग कहता है ये तो फेक भी हो सकता है, इसलिए लियान फौरन में वीडियो कॉल करती है जो एंजल की प्रोफेसर है और वो खुद बताती है कि हाँ तुम ही एंजल हो, भला तुम खुद का डिजाइनर क्यों चुराओगी। जिससे प्रूव हो गया था कि लियान ने कोई प्लेगरिज्म नहीं किया। ओयंग की तो बोलती बंद हो जाती है। तो लियान उस ज्वेलरी डिजाइन के बारे में बताने लगती है कि ये मैंने अपने फर्स्ट लव से इंस्पायर होकर बनाया है। तो ओयंग गुस्से से उठ के चला जाता है। इधर मिस्टर वैन भी लियान की वीडियो देख रहा था जिसमें से पता चल जाता है कि फेमस डिजाइनर एंजल लियानी है और लोग कमेंट कर रहे थे कि इतनी सुंदर लड़की किसे मिलेगी। मिस्टर वैन जल्दी से कमेंट करता है कि ये सिर्फ मिस्टर वैन की वाइफ है, कोई और इस पे नजर भी मत रखना। लियान आकर कहती है तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट भी किया है। वो कहता है नहीं तो मैं तो काम कर रहा था। लियान उसके करीब होने लगी थी और कहती है तुम लड़की हो ना, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे इतने करीब है और तुम ब्लश भी नहीं कर रहे। बट वो अंदर ही अंदर नर्वस हो रहा था। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी किसी को लेके आता है और बताता है कि इसे ज्वेलरी प्रोडक्शन वालों ने भेजा है। इस लड़की का नाम शैन है जो मिस्टर वैन की फ्रेंड थी और जो कहती है हमारी बात हुई थी कि अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छा रहा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लियान पूछती है ये सब क्या चल रहा है। तो वो कहता है मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, हम यहाँ सिर्फ बिजनेस करेंगे। पर लियान जेलस हो रही थी इसलिए ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ उसे ओयंग मिल जाता है और उसे बात करने लगा था, पहले तो इग्नोर कर जाने लगी थी। वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना। तो बैठ जाती है और उससे शैन के बारे में पूछने लगी थी। तो ये बताता है कि शैन मिस्टर वैन की फ्रेंड थी और शैन का मिस्टर वैन पे बहुत टाइम पे क्रश है, शायद इसलिए वो किसी लड़की को भाव नहीं देता था। लियान जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है हर किसी का पास्ट होता है। बट वो उसका हाथ मोड़ देती है तो कहता है अरे ये वाला तो छोड़ दो, इससे तो मैं सर्जरी करता हूँ। तो वो छोड़ के चली जाती है। इधर मिस्टर वैन और लियान में काफी फाइटिंग हो गई थी शैन को लेकर। शैन उनकी बातें सुन रही थी बट लियान मिस्टर वैन से ब्रेकअप करके चली जाती है। तो शैन स्माइल करती है। इनफैक्ट शैन यहाँ एनिमी कंपनी की भेजी हुई थी और वो मिस्टर वैन की कंपनी में गड़बड़ कर देती है, पर झूठा नाम लियान पर लगा रही थी कि जरूर लियान ने ऐसा किया होगा बदला लेने के लिए। और मैंने सुना है लियान एनिमी कंपनी के साथ मिल गई है। तभी वहाँ लियान की एंट्री होती है, कहती है तुमने तो अपने सारे कांड मुझ पे आरोप लगा दिए। तभी एक लड़की आकर लियान को सीईओ बोल रही थी तो वो सब हैरान थे। तो लड़की बताती है कि ब्लू कंपनी की सीईओ लियान है। तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ब्लू कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, वो वहाँ के टॉप 10 कंपनियों में से एक है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि लियान को पहले शैन पे शक था और मिस्टर वैन को भी, इसलिए उन दोनों ने मिलकर ये सब नाटक किया था ताकि वो शैन की सच्चाई सबके सामने ला सके। मिस्टर वैन सोचता है मुझे पहले से पता था तुम ही ब्लू कंपनी की सीईओ हो। वो लोग तब भी लियान का यकीन नहीं कर रहे थे। तभी लियान ब्लू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाती है, सबको बताता है कि हाँ यही ब्लू कंपनी की सीईओ है। और फिर लियान सबको शैन के खिलाफ प्रूफ दिखाती है। शैन कहती है मिस्टर वैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फ्रेंड थी, तुम मुझे छोड़ दोगे। कहता है बिजनेस के मामले में कोई फ्रेंडशिप नहीं देखी जाती। और शैन को पकड़ के ले जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है पर हमारी कंपनी को जो 1 बिलियन का लॉस हुआ है उसका क्या। वाइस प्रेसिडेंट कहता है 1 बिलियन कौन सा बड़ी बात है, ये लो चेक। मिस्टर वैन कहता है तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत थी। बट वो उसे हकर कहती है मैंने बस अपने बॉयफ्रेंड को पॉकेट मनी दी है। मिस्टर वैन कहता है ओके तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। तब एम्प्लॉयज उन्हें देख रहे थे और खुश हो रहे थे। मिस्टर वैन कहता है क्या तुम लोग यही सब देखते रहोगे, अगर अभी कभी यहाँ से नहीं निकले तो सबकी सैलरी आधी। और सब कुछ सेकंडों में फुर्र हो जाते हैं। कहती है कितने क्यूट हैं। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। कहता है ब्लू कंपनी की सीईओ ने मुझे बताया क्यों नहीं। कहती है क्योंकि तुम ही बोल रहे थे ब्लू कंपनी की सीईओ बहुत मिस्टीरियस है, अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम मुझे यहाँ काम करने देते। मिस्टर वैन कहता है और नहीं तो क्या, मैं तो कब से तुमसे लव में हूँ। वो कहती है देख लो मुझे संभालना बहुत मुश्किल होगा, पर मेरी आइडेंटिटी की वजह से तुम्हारी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। वो कहता है कंपनी तो फिर से नहीं खड़ी हो जाएगी, पर वाइफ दोबारा कहाँ से मिलेगी, मैं और वेट नहीं कर सकता, जल्दी से शादी कर लेते हैं। कहती है पर मैं अभी, बट मिस्टर वैन उसे किस करने लगा था और वो भी एंजॉय कर रही थी। मिस्टर वैन कहता है तुमने कहा था ब्लू कंपनी से कॉपरेशन के टाइम पे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगी, और तुमने सीईओ का दिल चुराया है तो तुम्हें कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, बताओ अब तुम कंपनसेशन कैसे दोगी, चलो कल सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो कहती है कल, और नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं दोनों के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट थे। लियान कहती है मैरिज सर्टिफिकेट लेकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल बुढ़ी हो गई हूँ जबकि मैं सिर्फ 20 की हूँ, अब तो मुझे बच्चे भी आंटी कहेंगे। स्टूडेंट कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे दिल में हमेशा बच्ची रहोगी,
और उसके मैरिज सर्टिफिकेट छीन लेता है। वो पहले छीनने लगी थी पर हाथ नहीं आते। स्टीवन कहता है, पता नहीं और तुम्हारी क्या क्या खूबियां हैं, कितनी आइडेंटिटी है, तो मैं पहले सबको बता देता हूँ कि तुम भी मेरी वाइफ हो। और इंटरनेट पे पोस्ट डाल देता है लियान के साथ मैरिज सर्टिफिकेट वाली। तो सब मिस्टर वैन को कंग्रेचुलेट कर सीईओ कर रहे थे। कहती है जल्दी से मुझे ग्रैंडसन दे देना। और गाओ भी उसे कंग्रेचुलेट करता है। ओएन कहता है अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अगर फ्यूचर में मिस्टर वैन ने तुम्हें परेशान किया तो मेरे पास आ सकती हो। मिस्टर वैन बस लाइक सपने ही देखते रहिए। और लियान से कहता है तुम नहीं पोस्ट करोगी? वो कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहता है तुम्हें तो जरूर करनी चाहिए, तुम्हारे कितने सारे लड़के फ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसे सेफ फील नहीं होगा, प्लीज कर दो ना। लियान कहती है मुझे ऐसे तो लग रहा है शादी के बाद तुम बहुत क्लीन सी हो गए हो। और फिर उसके साथ फोटो खींचने लगी थी तो उसे किस कर देता है, तो लियान पोस्ट कर देती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी के एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।